जोधपुर शहर के माताकाथान थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 6 बजे आपसी रंजिश और विवाद के चलते एक वकील की सरेराहा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, चाकू मारने वाले ने वकील के मरने के बाद उसका सिर पत्थर से मारकर कुचल दिया। चाकू मारते समय कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हत्यारे ने इसकी परवाह नहीं की। लोगों के सामने ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर मौके से फरार हुआ। शनिवार शाम को ही मुख्यमंत्री गहलोत के जोधपुर पहुंचने से ठीक पहले हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों में हलचल मच गई और आनन-फानन में अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। इधर जानकारी मिलने पर माताकाथान पुलिस चौकी पर मौके पर पहुंचे और मौके पर भी भीड़ जमा थी, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं कर पाया। लेकिन बाद में आपको बता दें कि सिर्फ पत्थरों से कुचल दिया गया था, लेकिन उसकी पैंट से उसका पर्स मिला जिसमें उसकी पहचान हुई जुगराज चौहान के रूप में। देखकर आसपास के लोग भी बोचक्के हुए और इससे बताया गया आपसी विवाद। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर अस्पताल पहुंचाया और मृतक वकील के घर वालों को भी घटना का पता चलते ही वो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अनिल और मुकेश पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम भेजी गई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माताकाथान थाना क्षेत्र की परिहार नगर निवासी वकील जुगराज चौहान लंबे समय से उन्हीं के समाज के अनिल और मुकेश से जमीनी विवाद की वजह से काफी चर्चाओं में चल रहे थे और उनका विवाद काफी ज्यादा बढ़ रहा था। आपसी विवाद के साथ साथ कुछ समय पहले जुगराज के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत भी हुई थी और इसके बाद उसने मुकेश और अनिल पर केस भी किया। इसे लेकर आए दिन दोनों के बीच में नोटिस दिए जा रहे थे। वकील की शिकायत पर जांच भी बदली गई। इससे अनिल और मुकेश दोनों परेशान थे क्योंकि पुलिस उन्हें जांच के लिए बुलाने लगी। इससे परेशान होकर शनिवार शाम बदवासी अस्पताल के पास जब जुगराज चौहान अपनी बाइक से जा रहा था, तभी अनिल और मुकेश ने उसे रोका, उतारकर पहले मारपीट की, उसके बाद एक जने ने चाकू से उस पर हमला शुरू किया। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। उनकी हत्या की गई। देवीराम जी, मनोहर लाल जी की बेटी अनिल काफी लोग शामिल है। वैसे तो पहले भी रिपोर्ट दे रखी है मेरे भाई की। ओ भैया चलो चलिए, आगे चलिए, क्यों खड़े हो आप? चलिए मेरे पापा के हत्यारों को पकड़ाए। जिस तरीके से वकीलों पर हमले हो रहे हैं, क्या कहना आपका? इसलिए हम काफी समय से देख रहे हैं अधिवक्ता समुदाय पर जिस तरीके की अपराधियों द्वारा खुलेआम धमकियां व मारपीट की जा रही है, इसी के मद्देनजर हमारे साथी जुगराज चौहान के साथ कल अपराधियों ने जघन्य हत्या चाकुओं और पत्थर से मार मार के कर दी है। पिछले 2 वर्ष से जुगराज जी अपने पुत्र की हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए इधर उधर घूम रहे थे और कई बार पुलिस के आला अधिकारियों को इसके बारे में ज्ञापन दिया कि कार ने एक टक्कर मारी है और जिससे मेरे पुत्र की हत्या की गई, परंतु उसकी बात पर किसी तरह का कोई गौर नहीं किया गया, जिसको लेकर पिछले 2 साल से जुगराज पीड़ित होकर घूम रहे थे और परेशान थे। हमें भी ज्ञापन दिया, हमने भी पुलिस प्रशासन से ये की थी कि इनकी जाँच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। इसको त्वरितता से न लिया गया, जिसका ही परिणाम है कि कल उन अपराधियों के हौसले बुलंद थे और उन लोगों ने निर्मम हत्या की। हम सब इस हत्या का विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस परिवार के एकमात्र कमाने वाले जुगराज थे और उनकी इस तरीके से हत्या कर दी गई, परिवार अनाथ हो गया, उनके पीछे उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री बची है। ऐसे में उस परिवार को सरकार की दायित्व बनता है कि उसको संबल प्रदान करे, एक आर्थिक पैकेज दे और उनके परिवार को, पीड़ित परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दे और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उनको सुरक्षा प्रदान करे। जिस तरीके से 2 हत्याएं एक परिवार में हो चुकी है और प्रशासन इस पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का काम। हमारे अधिवक्ता साथी जुगराज जाटोलिया जी की निर्मम हत्या अनिल मुकेश ने चाकू से और पत्थर मार के की है और एक मुलजिम को और दस्तयाब किया है, जिसने रात को मोबाइल करके और वकील साहब को घर से बुलाया था, उसको भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। इस प्रकार से 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अब हम एसोसिएशन यहाँ सभी अधिवक्ता धरने पर यहाँ बैठे हैं मोर्चरी में और मुख्यमंत्री जी से समय लिया गया है, जब भी समय मिलेगा
तो हमारी मांग ये है कि जो भी दोषी और इसमें मुलजिमान हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जावे, और वकील साहब के जाने से पूर्व में भी इनके एक लड़के का जो है वो मर्डर किया गया, जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया, उसी रंजिश को लेकर ये जो है हत्या की गई है। इसके अलावा कोर्ट के आदेश से वकील साहब ने इन मुलजिमानों से जमीन खाली कराई थी, और ये भी रंजिश साथ में रही है कत्ल करने की। तो मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि वकील साहब के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए, उनके घर में से एक लड़के को जो है उसको नौकरी दी जावे, और इस परिवार में 2 सदस्यों का कत्ल हो चुका है उनको सुरक्षा प्रदान की जावे, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो कि कांग्रेस सरकार का इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो के अंदर ये मुद्दा लिया हुआ था और ये वायदा किया था कि प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा, तो अपने वायदे के मुताबिक चूँकि मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब खुद वकील रहे हैं और मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी चीफ मिनिस्टर की होती है, तो अपने कमिटमेंट के हिसाब से जल्द उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। आप देख रहे हैं जोधपुर में ये 30-34 घटना अभी 15 दिन के अंदर हो गई है, और राजस्थान में जगह जगह वकीलों के साथ इस तरह से हत्याएं, अटेम्प्ट टू मर्डर और बड़े बड़े संगीन अपराध किए जा रहे हैं। जो अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाता है, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ में आवाज़ उठाता है और उनकी पैरवी करता है, तो इस तरह की अगर हत्याएं होने शुरू हो गई, इस तरह के हमले वकीलों पर होने शुरू हो गए, तो वकील निर्भीक होकर किस प्रकार से अपने मुवक्किल को न्याय दिलाएगा, तो ये संवैधानिक। माता का थान इलाके क्षेत्र में बदासिया में जो है आज 2 व्यक्तियों ने, अनिल चौहान और मुकेश चौहान, इन्होंने जो है इनके समाज के ही दूसरे व्यक्ति हैं जुगराज जी, उनको चक्कू मार के और उनकी हत्या की है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर लिया गया, तुरंत जो है विशेष टीमें गठित की गई और जो आरोपी हैं उनको हमने दस्तयाब कर लिया, उनसे पूछताछ जारी है, अनुसंधान जारी है। 70 भी मरे उसमें, अभी पूछताछ जारी है। तो जैसे कारण सामाजिक कारण बता रहे हैं, और तो इसका जो आरोपी है उनका कोई मकान प्लॉट था पहले, उसका भी बता रहे हैं विवाद, और दूसरा कोई इनको नामजद मुलजिम भी इन्होंने मृतक में अपने बच्चे के एक्सीडेंट के मामले में इनको बना रखा था, उसकी भी अनुसंधान जो तफ्तीश है वो तस्दीक की जा रही। युवराज क्या करता है? युवराज अधिवक्ता, इसका वो कन्फर्म करती है।